नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सैफ लीगल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से मेरा एक शॉर्ट बड़ा वायरल हो रहा है कि मोनेटाइजेशन के अंदर अपना मेंटेनेंस नहीं भी दें तो चलेगा। हाँ, मैंने ये देखना चाहा था कि आप इसके लिए कितना ज़रूरतमंद हैं, कितनी ज़्यादा आपके अंदर इसके लिए ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, कई लोग इस वक्त अपना जॉब गंवा चुके हैं इस पैंडेमिक में, पिछली बार भी गंवाया था और इस बार भी कई लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है और उनके कईयों के बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर दुकानें, ज़्यादातर बिजनेसेस अब बंद किए जा चुके हैं। कोई लेबर के अभाव में बंद पड़ा है तो किसी को गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बंद करा दिया। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप इस स्थिति से, भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं, जब आपके सामने रोजगार का संकट है, तो आप आराम से मेंटेनेंस ना दें और जैसे ही कोर्ट खुलें आप ये स्पेशल एप्लीकेशन अपनी सीधा ले जाकर जज की डेस्क पर रख दें। रूल नंबर वन समझ लीजिएगा, अपने वकील को अगर आप ये सूचित कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं करने देगा क्योंकि मेंटेनेंस इन केसेस की जान होती है। दोनों वकील कभी नहीं चाहेंगे, ना लड़के का ना लड़की का, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर आपकी सैलरी में कट ऑफ भी हुआ है, जैसे आप 30,000 पाते थे और अब आप 21,000 पे आ गए हैं, कंपनी ने आपकी सैलरी कम कर दी है, वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हैं पर सैलरी कम कर दी है, अब आपकी कुछ EMIs भी जा रही हैं, पुराने कुछ खर्चे भी हैं, कुछ हालात ऐसे थे जो पहले से ही उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, तो पता लगा कि आप अपनी सेविंग्स में से भी खर्चा कर रहे हैं, तो वो सेविंग अकाउंट का हिसाब किताब, वो जुगाड़ पूरा बना लीजिए, अपना हिसाब बना लीजिए और ले जाके वो हिसाब भी कोर्ट में पेश कर दीजिए और उसके साथ संलग्न डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी लगा दीजिए। लेट से आप अपने अकाउंट की डिटेल लगा सकते हैं, जो ऑलरेडी उसमें सेविंग्स पड़ी हुई हैं, उनमें से जो आपने पैसा कंज्यूम किया है, और अगर आपने रिजाइन किया है, कंपनी ने ज़बरदस्ती आप फोर्सफुली रिजाइन किया, तो रिजाइनेशन लेटर भी वहाँ दे सकते हैं और कंपनी से लिखवा लीजिए कि पैंडेमिक की वजह से मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है, कि हम अब सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें हटाना पड़ रहा है अपने एम्प्लॉई को। तो आप अपना एस्केप इस तरह से लीजिए, अगर आपको हटाया जा रहा है तब भी लिखवा के लीजिए और अगर आपसे रेजिग्नेशन जबरन लिया जा रहा है तब भी लिखवा के लीजिए। एटलीस्ट ये तो लिख दीजिए कि मेरा केस चल रहा है, हर कोई सपोर्ट करता है, थोड़ा सा दबाव भी बना लीजिए। अगर सामने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मैं ऐसे नहीं दूंगा, आप मुझे लिख के दीजिए, मुझे दूसरी जगह काम भी मिले, तो कम से कम ये तो बताऊँ कि कंपनी ने मुझे इस रीज़न से निकाला है। मानवीयता के मूल्यों के आधार पर कोर्ट अपना कार्रवाई करती है। ये गलतफहमी दूर कर दीजिए कि लड़के की ही सिर्फ कोर्ट सुनता है, ये सिर्फ वकीलों की बनाई हुई अवधारणा है, इसको बिल्कुल दिमाग से साफ कर लीजिए। कोर्ट सबकी सुनता है, सुनाने वाला चाहिए। आपको अपनी बात ही ठोस तरीके से नहीं कहने आती, जब आप अपनी बात ठोस तरीके से नहीं कहते तो फिर आप क्या कर लेंगे कोर्ट के सामने जाके। ताथैया, मजबूत रहिए, ग्रिप रखिए अपने केस के ऊपर। अगर आपकी कोई भी समस्या और भी है तो हमेशा कोर्ट को सूचित रखिए। कोर्ट के सामने अपराधी आप तब बनते हैं जब आप, लॉकडाउन खुल जाएगा, 8-9 महीने तक सोचते रहेंगे, फिर एक दिन आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो कोर्ट आपके पीछे पड़ेगा। इन केस कोई अड़ियल जज ही मिल जाता है और वो आपकी इस एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करता, तो कह दीजिए सर मैं कुछ मुश्त अमाउंट दे सकता हूँ, मैं भी केयर करता हूँ मेरी बीवी की, पर हकीकत यह है मैं कुछ मुश्त अमाउंट दे सकता हूँ। लेट से आपका पूरा पैसा जो है वो 50,000 हो चुका, तो 8-10,000 रुपये तक आप ऑफर कर दीजिए और कह दीजिए सर मैंने हाथ जोड़ लिए, मेरे पास इसके अलावा पैसा नहीं है, मैं अभी समस्या हूँ, जॉब मेरी जा चुकी है, स्थितियाँ मेरी खराब है, पिछला पैंडेमिक में झेल के बैठा हूँ, फिर ये समस्या आ गई। अगर पिछले पैंडेमिक में भी आपकी कोई ऐसी मजबूरी या परिस्थिति रही है तो उसका उल्लेख भी साथ में कीजिए, छूट मिलेगी दोस्त, 100% मिलेगी। पिछले पैंडेमिक में मैंने काफ़ी लड़कों को इस चीज़ की छूट दिलाई है केसेस के अंदर, और अब आपसे कह रहा हूँ कि आपको भी दिलाऊंगा, आप मेरे जरिए चलिए। हाँ, केस में आप जब इस एप्लीकेशन को लगाते हैं तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, डोंट बी बिहेव लाइक अ चाइल्ड, जो मन में आता है तरीके से, अच्छे तरीके से लिख दीजिए, इतने मैच्योर आप हो चुके हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में आकर इस तरह से बार बार मत डिमांड कीजिए कोई फॉर्मेट बता दीजिए, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। सिंपल सी बात है, जो आपकी समस्या है उसको उकेर दीजिए एक कागज के अंदर, बस कोई ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं है, सिंपल सी भाषा में लिख दीजिए। कोई जज ये नहीं कहेगा गलत फॉर्मेट क्यों दिया मुझे, इसमें कोई सेक्शन नहीं देखे जाते, कोई CRPC IPC का रूल्स और लॉ इसमें फॉलो नहीं होता, सिंपल सा है। ज्यादा से ज्यादा कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है लाइफ और लिबर्टी का, उसके आधार पर मुझे ये छूट दी जाए। संविधान के अंदर जो आर्टिकल 14 है और
21 है लाइफ और लिबर्टी का, उसके आधार पर मुझे ये छूट दी जाए, ये जरूर लिख दीजिएगा। तो इससे आपके एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा आपके एप्लीकेशन में। बाकी आपको ऐसा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा। तो इस पर फोकस कीजिए और रिजल्ट देखिए।